एनजीओ और कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स ने सनसनी फैलाई, अमित शाह का बयान। एक पुलिस अफसर भी इस काम में शामिल रहा। कोर्ट ने तय कर दिया कि सरकार ने दंगे रोकने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा कि दंगे सुनियोजित नहीं, स्वप्रेरित थे। अमित शाह, एसआईटी का ऑर्डर कोर्ट का नहीं था। एक एनजीओ ने एसआईटी की मांग करी, कोर्ट ने फॉर सेक ऑफ आस्किंग हमारे लॉयर को पूछा। हमारे लॉयर ने कहा मुझे इंस्ट्रक्शन लेने पड़ेंगे। लंच ओवर के बाद फिर से कोर्ट बैठी। हमारी सरकार ने कह दिया कि हमें कुछ छुपाना ही नहीं, तो एसआईटी बने, हमें क्या आपत्ति है। इट वॉज कंसेंटेड डिसीजन, गुजरात सरकार की रिकॉर्ड पर कंसेंट है। कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी लिखा है कि एनजीओ की मांग थी, गुजरात सरकार ने कंसेंट दी है। हम बहस कर सकते थे मगर क्यों करें, क्योंकि हमें कुछ छिपाना ही नहीं था। आज जब जजमेंट आया है तब तय हो गया है कि जजमेंट में लिखा हुआ नाम मैं बोलता हूं, एक पुलिस अफसर का नाम दिया है, एक एनजीओ का नाम दिया है और कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स का नाम दिया है। ये तीनों ने मिलकर जजमेंट के अंदर ये स्पष्ट कर दिया है कि सनसनी खड़ी करने के लिए झूठ बातों को फैलाया गया, झूठ बातों को आगे बढ़ाया गया और झूठे तरह से 60 लोगों को जिंदा जला दिया था। उसका समाज में आक्रोश था और जब तक दंगे नहीं हुए तब तक किसी ने इसका क्रिटिसिज्म भी नहीं किया, एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी का एक भी स्टेटमेंट, पार्लियामेंट चल रही थी उस दिन, किसी ने दुख भी व्यक्त नहीं किया कि 60 लोगों को जिंदा जलाने की घटना का आप भर्त्सना भी नहीं करोगे, निंदा भी नहीं करोगे। इतनी बड़ी वोट बैंक पॉलिटिक्स होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जाखिया जाफरी किसी और के निर्देशन पर काम करती थी। कई सारे विक्टिम्स का एफिडेविट एनजीओ ने साइन कर दिए, विक्टिम को मालूम ही नहीं है। शहजादम सुन रहे थे अमित शाह को। एक बेसिक लाइन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहा है कि एक तरफ दंगे हुए, इंसिडेंट हुए, उनके दोषियों को पकड़ा जाए, दूसरी तरफ एक लगातार कोशिश होती जा रही थी कि इस पूरे इंसिडेंट को स्टेट स्पॉन्सर्ड साबित किया जाए। क्या यह माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट का यह जो वर्डिक्ट है, ये जो दूसरा एक अप्रोच था जिसको लेकर लड़ाई इतनी लंबी लड़ी गई और इसमें अलग अलग पार्टियां भी हुई जिनका सीधे सीधे इससे कोई लेना देना नहीं था, वो लड़ाई अब खत्म है, उस पर फुल स्टॉप लग गया है? देखिए, मुझे लगता है कि ये क्यों किया गया, ये एक षड्यंत्र के तहत किया गया क्योंकि एक व्यक्ति को टारगेट करना था। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें 3-4 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। कल उन्होंने कहा है कि 16 वर्षों तक पॉट को बॉइलिंग रखा गया ताकि एक अल्टीरियर डिजाइन के तहत, एक साजिश के तहत लोगों को फंसाया जा सके। दूसरा, कुछ लोगों ने इसको सेंसेशनलाइज करने की कोशिश की, उन्होंने अब्यूज किया प्रोसेस ऑफ लॉ को, ट्यूटर्ड या डिक्टेशन के तहत पेटिशनर काम कर रही थी और वो सारे लोगों की फेरिस्त है कि कौन है वो लोग। अमित शाह ने तो नाम भी लिया, तीस्ता सितलवाड का जिक्र भी किया उन्होंने, एनजीओस का जिक्र किया। जी, तो मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, देखिए दो मॉडल है इस देश में। एक मॉडल ये है कि जब 84 का दंगा हुआ तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हाँ जी हाँ, इसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड है, इसमें स्टेट बचा रही थी, इसमें स्टेट ने रोल अदा किया। और दूसरा गुजरात 2002, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट आकर कह रही है कि सारे प्रयास किए गए इसको रोकने के, स्टेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। परंतु विवेक श्रीवास्तव जी यहां पर बैठकर उनकी पैरवी कर रहे हैं जिनके खिलाफ कोर्ट का आदेश है, और जिनके खिलाफ कोर्ट का आदेश नहीं है, जिनके खिलाफ कोर्ट ने कहा है कि देखिए ये तो बहुत साफ तरीके से यहां पे छानबीन हुई और जस्टिस मिला, उनके खिलाफ खड़े हैं विवेक श्रीवास्तव। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं विवेक जी से, देखिए आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, आप मुझे बताइए ये एकलौता फैसला नहीं है, ट्रायल कोर्ट का, हाई कोर्ट का, और ज्यादातर इन्वेस्टिगेशन यूपीए के शासनकाल में हुई। एसआईटी बनी यूपीए का शासनकाल था 2008 में, जांच रिपोर्ट सौंपी गई यूपीए का शासनकाल था। अगर इतने ही प्रमाण थे, इतने ही तथ्य थे तो लटका देते हम सभी लोगों को दंगों के आरोप पर, क्यों नहीं लटका पाए भाई 2002 से 2014 तक, क्यों नहीं लटका पाए बताइए इसका जवाब। बड़े ध्यान से इसको सुनिए,
not the only place or the only problem in which NGOs are meant for it. कल आप आएंगे सब Amnesty International ही ना है, कल आप आएंगे United Nations का International Labour Organization ही कभी ना है Labour Dispute. देखिए तो ऐसा नहीं होता है. Supreme Court का अपना Observation. हम hypothetical situation क्यों सोचे, जो facts हैं उस पे बात करें, court ने जो कहा है हम उस पे बात करें, हम कहा UN और कहा United Council की बात करने लगे. ट्रेड यूनियन की डिस्प्यूट होती है कि नहीं होती है, वो यूनियन हैंडल करती है कि नहीं करती है, बीएमएस नाम की चीज बीजेपी का अपना ट्रेड यूनियन फेडरेशन है कि नहीं है. शहजाद पूनावाला ने बड़े स्पष्ट सवाल किए हैं. देखिए मैं चाहता हूं आप सीधा उत्तर दीजिए उसका. उन्होंने ये कहा कि जांच की एजेंसीज यूपीए के समय थी, एसआईटी उसी समय बनी, केसेस हुए, तो क्या उस समय मशीनरी का जो उपयोग हुआ वो सही नहीं था, और अब जो न्याय प्रक्रिया से फैसला आया है क्या उस पर भी सवाल उठेगा? नहीं था. हमारा ये भी मानना है कि कोर्ट को जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो कंप्लीट नहीं है, वो भी बायस्ड है, उसमें भी हम रिव्यूज में भी देख रहे हैं क्या करना चाहिए और क्यों ना. विवेक जी 19 साल पुराना ये मामला, लंबी पूछताछ चली है, सुप्रीम कोर्ट में सारे तथ्य रखे गए हैं और अब क्लीन चिट मिली है, उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं है क्या? आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संतुष्ट नहीं है? आप मुझे बता दीजिए, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, बाकी मस्जिद किसने तोड़ी, किसी ने तोड़ी कि नहीं तोड़ी, अपने आप ही ढह गई जब पता है वहाँ उमा भारती थी. और सर आप ना सवाल का जवाब देते नहीं है, कहीं और सवाल घुमा देते हैं. शहजाद कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, जी शहजाद. ठीक है. शहजाद पूनावाला क्या ये समझा जाए कि 1947 में भारत के विभाजन से जब 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 जहां जहां दंगे हुए तब तब की सत्ता को अब हम मान लें कि वही दोषी थे, या फिर हम कोर्ट के आदेश को माने, क्या समझे? जो उदाहरण दिए जा रहे हैं उसका मतलब तो यही था कि नेहरू से हम काउंटिंग शुरू करते हैं और मोदी तक खत्म करते हैं, सिंपल है. देखिए पहले तो मैं विवेक जी की जो सवाल उन्होंने बात की कि प्रोसिक्यूशन ने ठीक से काम नहीं किया, विवेक जी आपको शायद पता होगा कपिल सिब्बल इसमें वकील के तरह आए हैं. कपिल सिब्बल लंबे अरसे तक कांग्रेस में थे और आज भी वो समाजवादी के साथ ही हैं. क्या आप कपिल सिब्बल पे सवाल उठा रहे हो कि उन्होंने पेश नहीं किया केस ठीक से? दूसरी बात, प्रोसिक्यूशन एजेंसीज यूपीए के कार्यकाल में काम कर रही थी पूरा समय, तो क्या आप कह रहे कि यूपीए बचाने की कोशिश कर रही थी? आप यूपीए का हिस्सा थे 2004 से 9 तक, आपको याद होगा. तीसरी बात सर, प्लीज एक सेकंड सुन लीजिए ना, आप खुद एनजीओ बन चुके हो, एनजीओ की वकालत करते करते आपकी पार्टी केवल जेएनयू के कैंटीन तक एनजीओ बन चुकी है. सुन लीजिए ना, कान खोल के सुन लीजिए. तीसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब 10 बड़े दंगे हुए इस देश में, जलगांव, नैली, मुंबई, अहमदाबाद, मलियाना, हाशिमपुरा, भागलपुर और दिल्ली दंगा, इसमें हजारों लोग मारे गए, तब तो आपने कभी ये नहीं कहा कि सरकारें जिम्मेदार है. अगर सरकारें जिम्मेदार थी तो उनके साथ गठबंधन क्यों किया आपने? आप तो आज भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है. बंगाल में आपने गठबंधन का धर्म निभाया है उनके साथ, तो कैसा आपका तर्क है अगर वहां पे सरकारें जिम्मेदार थी? और 84 में तो सरकार को जिम्मेदार पाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि 2002 में नहीं पाया गया है.